लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवार। झारखंड और पश्चिम बंगाल में हो रहे आदिवासी कुर्मी आंदोलन को लेकर अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल उस आंदोलन की वजह से बिहार से वैसी ट्रेनें जो गुजरती हैं इधर से उसे रद्द कर दिया गया है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूटों में बदलाव किया गया है। कुर्मी आंदोलन को लेकर बिहार पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो अगर आप भी इन ट्रेनों के माध्यम से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम आपको क्रमवार तरीके से बताते हैं कि किन ट्रेनों को रद्द किया गया है और किन ट्रेनों का रूट का परिचालन किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार और सोमवार यानी कि आज और कल ट्रेन नंबर 13288 राजेंद्र नगर दुर्ग और 13287 दुर्ग राजेंद्र नगर, 18184 दानापुर टाटा, 18183 टाटा दानापुर, 12365 पटना रांची जनशताब्दी, 13266 रांची पटना जनशताब्दी, 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, 18621 पटना हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, 18624 हटिया इस्लामपुर को रद्द किया गया है। साथ ही 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल को 18639 रांची आरा एक्सप्रेस, 10 अप्रैल को 03253 पटना सिकंदराबाद और 18640 आरा रांची एक्सप्रेस रद्द रहेगी। साथ ही उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से पूर्व मध्य रेल की एक दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। गाड़ी संख्या 12328 देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस 12 अप्रैल तक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12370 देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस 9 से 11 अप्रैल तक रद्द रहेगी। 12369 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस का परिचालन 10 अप्रैल तक रद्द रहेगा। गाड़ी संख्या 15909 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस का परिचालन 10 अप्रैल तक रद्द रहेगा। गाड़ी संख्या 12327 हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस का परिचालन 11 अप्रैल को रद्द रहेगा। गाड़ी संख्या 1590 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस का परिचालन 13 अप्रैल तक रद्द रहेगा। वही ट्रेन में रूटों के बदलाव की बात करें तो 11 अप्रैल तक मुजफ्फरपुर से खुलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग लखनऊ कानपुर गाजियाबाद के रास्ते से जाएगी। 11 अप्रैल तक दानापुर से खुलने वाली 13257 दानापुर आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग लखनऊ कानपुर गाजियाबाद के रास्ते जाएगी। 9-10-11 अप्रैल को आनंद विहार से खुलने वाली 12558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गाजियाबाद कानपुर लखनऊ के रास्ते से जाएगी। और ऐसे ही कई ऐसे ट्रेनों को के रूटों में बदलाव किया गया है, यानी कि झारखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है, जिनके रूटों में बदलाव किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।